सत्तापक्ष के विधायकों पर हो रहे हमले साफ दर्शाते हैं कि अपराधी बेखौफ है। वेद प्रकाश पांडे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हरसिमरन कौर। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, लेकिन मौजूदा समय में सरकार की प्रशासनिक क्षमता के चलते यहां पर पूरी तरह से जंगल राज कायम हो चुका है। स्थिति यह है कि लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं और पुलिस उनके मुकदमे भी नहीं लिख रही। सरेआम विधायक के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो यह साबित करता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में सरकार को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उक्त बातें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वेद प्रकाश पांडे द्वारा एक प्रेस के दौरान कही गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि पूरे जिले में अवैध खनन माफिया हावी है। जिले में करोड़ों रुपए की बालू प्रतिदिन इन माफियाओं के द्वारा सरकार की मिलीभगत से बेची जा रही है, जो प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी है। यही नहीं, ये सरकार आने से पहले भू माफिया को खत्म करने की बात करते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरकार बनने के बाद अपराधियों की बाढ़ सी आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपनी गाड़ी में लगाकर भू माफिया टहल रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, जहां भाजपा के एक विधायक, जिनके साथ आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र पुलिस वाले सुरक्षा में रहते हैं और उनके साथ 5 वाहन खुद के रहते हैं। ऐसे में जब इनके ऊपर हमला हो सकता है, तो आम लोगों की सुरक्षा की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि कानून व्यवस्था की बात करती है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। आज जिले में खराब कानून व्यवस्था है, पूरे उत्तर प्रदेश का जंगल राज है। इसका सीधा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अभी एक दिन पहले हमारे जिले के जो भाजपा के विधायक हैं, जिनके साथ एनी टाइम 24 घंटे कम से कम 5 पुलिस वाले रहते हैं, उनके साथ उनकी 5 गाड़ियां रहती, ऐसे में उनके ऊपर हमला हो जाता है। आप सोचिए जरा सा कि जिले में क्या व्यवस्था है, कानून की क्या स्थिति है। यहाँ पर आम लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार, छेड़खानी जैसी स्थिति है, और पुलिस मुकदमे नहीं लिख रही है। एक विधायक के ऊपर जब हमला होता है तो उसका मुकदमा तो लिख जाता है। डेली जब लोगों के साथ मारपीट होती है, उनके सामान लूटे जाते हैं, तो इस सरकार के इशारे पर कानून व्यवस्था को अच्छा दिखाने के लिए, जो ये सरकार कह रही है ना कि प्रदेश में कानून का राज है, ये कानून का राज है कि उनका विधायक जो सुरक्षित नहीं है उसके ऊपर हमला हो रहा है। आम लोगों का जीवन बिल्कुल तहस नहस हो गया है। जिला अस्पताल में दवाई नहीं है। आज पूरे जिले में भू माफिया, जमीन माफिया हावी है। बालू माफिया ने कब्जा करके रखा है चौराहे पे, आप तहसीलों पे, हर जगह खुलेआम 24 घंटे ओवरलोड वाहन हजारों की संख्या निकल रहे हैं। इसका साफ साफ संदेशा है, जनता समझ चुकी है कि ये जो योगी जी सुशासन की बात करते हैं, वास्तव में वही जंगल राज है। यहाँ पर उनके मंत्री विधायक नहीं सुरक्षित हैं, तो पूरे जिले की जनता की स्थिति क्या है, ये फाइनल है। मैं वेद प्रकाश पांडे से यूएफटी लाइव के लिए पवन साहू की रिपोर्ट।